अस्सलामवालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? है ना, छुट्टियों के बाद बड़े दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। अच्छी गुजरी होगी, होप सो कि आप लोगों की छुट्टियां खूब मजे किए होंगे। आप लोगों ने फिर से, हम लोग ऑनलाइन की तरफ आ गए हैं। 2-3 दिन से आप लोग ऑनलाइन पर लेसन्स पढ़ रहे हैं, फिर से वही हमारा ऑनलाइन का जो सिलसिला है शुरू हो गया है। जैसे आपने पहले मजे से पढ़ाई की थी, वैसे ही बिल्कुल अब भी करेंगे, है ना। और हम लोग अभी जैसे कि शगुफ्ता मिस ने आपको बताया खेलों के बारे में, है ना। खेल तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, हर वक्त हमें खेलने का मन करता है ना। टीचर तो इतने बड़े हो गए, लेकिन टीचर को भी क्या है, खेल बहुत पसंद है। टीचर ने आपको क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, शतरंज, ऐसे बहुत सारे खेलों के बारे में तफसीली मालूमात दी। खेल तो जरूरी होते हैं, क्यों बच्चों? हमें सेहतमंद रहने के लिए, है ना। मिस ने आपको बताया ना कि सेहतमंद रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए क्या है, खेल जरूरी है। और खास बात ये होती है कि हमारे जिस्म में इतनी तवानाई आती है, या हमारा जिस्म क्या है, बाहर की जो बीमारियां वगैरह होती है उससे बचने के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। तो खेल तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि मैं हमेशा बताती आई हूँ बच्चों, किसी भी चीज की एक हद जरूरी होती है। अगर हम खेल भी खेल रहे हैं, चाहे जहनी हो चाहे जिस्मानी हो, है ना। जहनी खेल भी हम लोग कौन से खेलते हैं, खासकर हम लोगों को मोबाइल गेम खेलना पसंद होता है ना। तो उससे क्या होता है, हमें जहनी सुकून मिलता है। लेकिन हम जब भी चाहे मोबाइल के खेल खेल रहे हो या जिस्मानी खेल खेल रहे हो, हमको ये एहतियात बरतना है कि हम पर उसका नुकसान ना हो, है ना। जैसे कि हर चीज का फायदा और नुकसान दोनों होता है। तो नुकसान कैसे होगा, अगर हम जिस्मानी अज़ा को सही से इस्तेमाल करेंगे, खेलों में एकदम अंधाधुंध खेलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो फायदे की बजाय हमारे लिए नुकसानदेह होगा। ऐसे ही अगर मोबाइल के खेलों का हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी आंखों के लिए और दिमाग के लिए भी क्या होगा, नुकसानदेह हो सकता है। तो जब भी आप खेल खेलें, बहुत एहतियात बरतें, ठीक है। तो बच्चों, अब हम लेसन की शुरुआत करें, इससे पहले हम इंट्रो वीडियो देख लेते हैं। दरमियान में आप जवाब देते रहे हैं हाँ ना में, ताकि टीचर को पता चले आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि ईवीएस 2 में पिछली, मतलब आपने कौन बताएंगे कि किसी के जहन में है, या छुट्टियों में सब कुछ भूल गए आप लोग, है ना। अक्सर ऐसा होता है ना कि बहुत लंबी अगर छुट्टी आ जाती है तो क्या हो जाता है, हमारा जहन खेलों में लग जाता है और हम पढ़ी हुई चीजों को थोड़ा बहुत क्या कर। संभाल ले प्लीज। हाँ बच्चों बताओ, जी जी कौन सा सबक पढ़े थे बच्चों हमने? शाइस्ता खान की दुर्गत पढ़े थे। वेरी गुड, शाबाश मेरा बच्चा, है ना, शाइस्ता खान की दुर्गत। तो चलो हम अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं और हमको अपना सबक भी मुकम्मल करना है। हमारा सबक बच्चों 3 सफात पर मुश्तमिल था। प्लीज आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी आ रही नहीं है। आधा हिस्सा हम पढ़ चुके हैं, है ना, शाइस्ता खान की दुर्गत का जो है आधा हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। सबक में जो भी आपने पढ़ते थे उस पर कुछ सवालात मुश्तमिल, सवालात पर सवालात मैं पूछूंगी, जो आप जवाब देंगे उससे हम अपने आगे के सबक को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। आधा हिस्सा हमने छुट्टियों से पहले पढ़ा था, इसलिए हम याद करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि जो सबक की कहानी है ना, वो हमको क्या हो, अच्छे से समझ में आए, ठीक है बच्चों। तो हम बढ़ते हैं आगे अपने सबक के अगले हिस्से पर। अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो बताएंगे कि आपको नजर आ रही है या नहीं। यस मिस, नजर आया। स्क्रीन पे आपको नजर आया जो बच्चों,
स्क्रीन पे कुछ नजर आया बच्चों? हमारा सबक है बच्चों शाइस्ता खान की बच्चों, स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? अब नजर आया बच्चों कुछ खबर? शाइस्ता खान की दुर्गत सामने पड़े थे, उसमें से हम कुछ हिस्से को क्या करेंगे यादें के तौर पर लेंगे ताकि आपको याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, हमारे सबक का नाम है शाइस्ता खान की दुर्गत। अच्छा, दुर्गत का क्या मतलब होता है आप लोगों को याद है कुछ? दुर्गत यानी क्या? दुर्गत यानी क्या बच्चों? जल्दी जल्दी बताएंगे बेटा, दुर्गत यानी क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही है, मेरा सवाल आप तक पहुंच रहा है बच्चों? दुर्गत यानी क्या? लड़ना। अच्छा, लड़ना तो नहीं होता, चलो ठीक है, आपके जहन में नहीं आया है दुर्गत यानी बुरा हाल, आप नहीं भूलेंगे। ठीक, सबसे पहले हमने उसमें पढ़ा था शाइस्ता खान का हमला। शाइस्ता खान का हमला, शाइस्ता खान क्या करते हैं? शिवाजी महाराज के इलाकों पर कब्जा करने के लिए निकले थे ना, हमने शुरुआत में पढ़ा था। ये तस्वीरें देखकर आपको क्या? शाइस्ता खान की दुर्गत मतलब बुरा हाल। आवाज आ रही है ना बेटा? यस मिस। आदिल शाह, और उन्होंने ना बच्चों कई सरदारों को भेजा था, किस लिए? शिवाजी को मारने के लिए, पकड़ने के लिए, हराने के लिए। लेकिन होता क्या है, शिवाजी हर सरदार को अच्छा सबक सिखाते हैं और कोई शिवाजी से डर के भाग जाता है। क्या हो जाते हैं? आदिल शाह भी परेशान हो जाते हैं और आखिरकार क्या कर लेते हैं बच्चों? शिवाजी से सुलह कर लेते हैं। सुलह करना यानी क्या करना? हाथ मिला लेना, हाथ मिला लिया, हाँ, दोस्ती कर लेना। हम लोग दोस्ती करते हैं तो ऐसे हैंडशेकिंग करते हैं ना, क्या करते हैं आदिल शाह शिवाजी से, समझ जाते हैं कि शिवाजी को तो हराना नामुमकिन है। हाँ बेटा, नेट का इशू है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करने। ठीक है, आज हमने देखा था कि जैसे ही आदिल शाह हाथ मिलाते हैं तो शिवाजी क्या हो जाते हैं, उनके इलाकों से बेफिकर हो जाते हैं और फिर वो दूसरी सिमत अपना रुख करते हैं। कौन सी सिमत करते हैं? शुमाल की तरफ। शुमाल के जो इलाके होते हैं वहां पर भी होते हैं, तो कौन करता है? शुमाल का जो इलाका होता है उस वक्त वहां पर कौन होता है हुक्मरान, वहां का राजा कौन होता है? क्या बताता आपको? बार बार शिवाजी के जो इलाके होते हैं ना उस पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के उनके इलाकों की जो हालत है वो क्या है, बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, बार बार हमला कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, शिवाजी को भी तो गुस्सा आएगा ना। शिवाजी क्या करते हैं, जैसे ही आदिल शाह सुलह करते हैं वो शुमाल की तरफ अपना रुख और औरंगजेब की फौज के लिए क्या करते हैं, निकल पड़ते हैं। और वो भी क्या करते हैं, एक अमल होता है, यानी वो लोग हमला करते हैं औरंगजेब के सिपाही, तो ये भी अपने सिपाही के जरिए उनके इलाके पर क्या करते हैं, करवाते हैं, हमला करते हैं। क्या होता है बच्चों, बहुत गुस्सा आता है, शिवाजी ने कैसे मेरे मतलब सिपाहियों पर हमला किया या मेरे इलाकों पर, तो वो क्या करते हैं गुस्से में बच्चों, करते हैं, हमने सबक में देखा था ना, शाइस्ता खान जो उनके क्या होते हैं, नामों को भेज दिया उसके शाइस्ता खान, हाँ, पूना की तरफ रवाना करते हैं ना, हमने पढ़ा था। चल हम आगे, दुर्गत यानी क्या अभी मैंने बताया था सबक की शुरुआत में, दुर्गत लड़ाई करना, नहीं लड़ाई करना नहीं होता, अभी तो बताया मैंने सबक की शुरुआत में, फिर भूल गए। दुर्गत यानी बुरा हाल, दुर्गत यानी बुरा हाल। रिपीट किया आपके जहन में रह, जो चीज हम लोग रिपीट करते हैं ना वो हमको याद हो जाती है। ठीक है, दिल्ली के मुगल शहनशाह का नाम, दिल्ली के जो मुगल शहनशाह थे बच्चों उनका नाम क्या था अभी? औरंगजेब।
औरंगजेब औरंगजेब नंबर तीन शाह ने शिवाजी महाराज पर हमले किसने रवाना किया, किसे भेजा था औरंगजेब ने, किसे भेजा मामू शास्त्री को, उनके मामू शास्त्री को, शास्त्री ने शास्त्री ने बेटा शाइस्ता खान को भेजा था, ठीक खान को भेजा। वो निकले पूना के लिए और कैसे निकले, अकेले चले जाएंगे हमला करने के लिए, उनके साथ क्या थी लाख फौज थी। बच्चे देखो इसमें गई है लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं रही हूँ, डायरेक्टली आपको समझा रही हूँ क्योंकि यही सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो सरसरी हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे सबक के लिए इसका ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। फौज को लेते हैं यानी 75,000 सिपाही लेते हैं, नहीं सिपाहियों के अलावा उनके साथ ऊंट होते हैं, हाथी होते हैं, ना आपको हमने पिछली मतलब इन चीजों की वेरी गुड, आज भी सुनेंगे ठीक है, आप लोग मजा आता है ना सुनने में, तो आज भी हम लोग जरूर सुनेंगे, ठीक है। ऊंट हाथी देखो हाथी चलते हुए कैसे नजर आता है, तो शाइस्ता खान क्या करते हैं जब पूना के लिए रवाना होते हैं तो 75,000 हाथी ऊंट तो तमाम चीजों को लेकर निकल पड़ते हैं, ठीक है। यस मिस, यस मिस। स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है आपको, नो नो क्या है, अब क्या नजर आया, तो अब क्या नजर आया बेटा, तोप तो चली गई पीछे, अब क्या नजर आया, पुणे शाइस्ता खान पुणे का महल निकल पड़े पूना के लिए निकलते। अब क्या करते हैं शाइस्ता खान, इलाके आते जाते हैं उन पर भी कब्जा जमाते हुए जाते हैं, तो रास्ते में कौन कौन से इलाकों पर उन्होंने कब्जा जमाया था, शिरोड़ सासोड़ और शिवापुर, शिरोड़ सासोड़ शिवापुर, तीनों नाम आपको क्या करना है बच्चों, याद रखना है, ठीक है। शिरोड़ सासोड और शिवापुर, देखो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पता है आपको, जब टीचर बोलते हैं तो फौरन ही आप लोग रिवीजन यानी रिवाइज कर लेंगे, है ना, उसको रिपीट करेंगे तो आपके वो जहन में भी बैठ जाएगा और आप भूलेंगे नहीं, कुछ बच्चे कर रहे हैं मतलब, उसके बाद आपको क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कौन सा किला आपको नजर आ रहा है, क्या नाम है किले का, शिवापुर सासोड़ तमाम इलाकों पर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर वो क्या करते हैं, पुरिंदर किले का मुहासरा करते हैं, क्या करते हैं मुहासरा, पिछली मतलब मैंने आपको बताया था ना मुहासरे का क्या मतलब होता है, याद है किसी को, ये लोग क्या कर रहे हैं किले के आसपास खड़े हो गए ना, तो मुहासरे का क्या मतलब, पहरा दे रहे हैं ना, पहरा देते हैं लोग, पहरा हम बोल सकते हैं लेकिन यहाँ पर मुहासरे का मतलब हम लेंगे घेर लेना, क्या घेर लेना, पुरेंदर किले का मुहासरा उसे घेर लेते हैं, यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं ना बच्चों, शिवाजी सिपाही थे या साथी थे, कैसे थे, खाने में थे और एकदम फुर्तीले होते हैं, वो क्या होते हैं एकदम तेजदौर होते हैं, मराठा सरदार शाइस्ता खान के पड़ोसी में मराठा शाइस्ता खान सिपाहियों को घेर लेते हैं, जी मिस, नजर आई आप लोगों को बच्चों, हाँ चलते हैं हम लोग आगे, ये क्या नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे, क्या नजर आ रहा है, पहाड़ नजर आ रहे हैं, हाँ बच्चों। अब यहाँ पर कौन से सिपाही नजर आ रहे हैं,
शाइस्ता खान के सिपाही, कौन से सिपाही नजर आ रहे हैं बच्चों? शाइस्ता खान के सिपाही शिवाजी शाइस्ता खान के सिपाही बेटा शाइस्ता खान के सिपाहियों को इन पहाड़ों के दरमियान दुर्रा, दरमियान पर रास्ता होता है, उस दुर्रे में क्या करते हैं मराठा सिपाही, क्या कर लेते हैं बच्चों? घेर लेते हैं, देख रहे ना आसपास खड़े हो गए। हाँ, शाइस्ता खान के सिपाहियों को क्या कर लेते हैं ये लोग? घेर लेते हैं। खड़े रहेंगे वो लोग? नहीं, दोनों की फौज के दरमियान क्या होती है बच्चों? खूब लड़ाई होती है। क्या होती है? खूब लड़ाई होती है। और आपको तो मालूम है कि मराठा सिपाही कैसे थे, बहुत ही मजबूत, तेज तर्रार, चालाक, फुर्तीले। तो क्या होता है आखिरकार शाइस्ता खान को अपने सिपाही हटाना पड़ता है, यानी पुरंदर किले का जो उन्होंने मुआसरा किया था, घेर रखा था ना, उसको क्या करते हैं शाइस्ता खान? हाँ। हटा देते हैं। ठीक है, हटा दे। चलो इससे पहले आगे बढ़े, आप कुछ सवालों के बात दें। आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है नेट की वजह से, पर थोड़ा सा सब्र बनाए रखें ताकि हम अपने सबक को आसानी से आगे बढ़ा सकें। ठीक है बच्चों, पहले मुझे आप लोग बताएंगे शाइस्ता खान के साथ शाइस्ता खान की कितनी फौज थी बच्चों? 5 लाख। आवाज आ रही है आपको बच्चों? और कौन लाख? और स्क्रीन बच्चों नजर आ रही है? 75,000। जी बेटा, दो लोगों ने जवाब दे दिया ना, अब उस सवाल को छोड़ दें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। शाइस्ता खान ने किस किले का मुआसरा किया? कौन से किले का? 75,000। दो लड़कियों, हमने आपसे पूछे कि शाइस्ता खान ने किस किले का मुआसरा किया था बच्चों? पुरंदर किले का। गुड, है ना। अच्छा, आप मुझे बताएंगे आप कि शाइस्ता खान को मराठों ने कहाँ घेरा, कहाँ घेरा था? पहाड़ के दरमियानी हिस्से को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? दुर्रे में घेरा था। ठीक है, आपके जहन में नहीं आ रहा, बता देते हैं, लेकिन याद रखें। नजर आ रहे ना बच्चों? हाँ टीचर। यस टीचर। मराठे सिपाही कैसे थे? कैसे थे मराठे सिपाही? मराठे सिपाही कैसे थे बच्चों? पावरफुल, तेज तर्रार। ठीक है, इसलिए आपको बहुत सुनना चाहिए ताकि आप सवालों के जवाब दे सके। ज्यादा हो रहा है, आप ये पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद पढ़ा था फिरंगोजी नरसाला के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? फिरंगोजी नरसाला। फिरंगोजी नरसाला कौन थे वो हम देखेंगे आगे। अब यहाँ पर शाइस्ता तो हटा लिया था, तो अब वो जाएंगे कहाँ? तो करते हैं चाकन किले की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? शाइस्ता खान अपने साथियों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ चाकन किले की तरफ बढ़ते हैं। चाकन किले की तरफ जब वो जाते हैं तो चाकन का जो पहरेदार होता है, जहाँ वो जो सिपाही होता है किले की देखभाल करने वाला, वो कौन होता है बच्चों? फिरंगोजी नरसाला होता है। फिरंगोजी नरसाला और शाइस्ता खान के सिपाहियों में खूब लड़ाई होती है। क्या होता है बच्चों? खूब लड़ाई होती है। शाइस्ता खान जाएंगे और फिरंगोजी नरसाला बोलेंगे नहीं चाकन का किला तुम ले लो, ऐसा बोलेंगे? नहीं। दरमियान में क्या होती है? लड़ाई होती है और 2 महीने तक ये लड़ाई जारी रहती है। आखिरकार क्या होता है? फिरंगोजी नरसाला के सिपाही हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है शाइस्ता खान ने तो साथ में क्या क्या लेकर आया था? हाथी, घोड़े, ऊंट, है ना, और बड़ी बड़ी तोपे। तो उन तोप खानों के आगे आखिरकार फिरंगोजी नरसाला क्या करते हैं बच्चों? हार मान जाते हैं। लेकिन फिरंगोजी नरसाला की लड़ाई करने की जो हैबिट होती है ना, आदत, तो क्या होती है शाइस्ता खान को बहुत पसंद आती है। तो बहुत बहादुर है, वो क्या करते हैं फिरंगोजी नरसाला से बात करते हैं। वो क्या बात करते हैं बच्चों? वो कहते हैं कि तुम हमारे शहंशाह से क्या कर लो? दोस्ती कर लो। क्या कर लो बच्चों? नजर आ रही है? हाँ, क्या कहते हैं कि तुम हमारे बादशाह औरंगजेब से, शहंशाह से दोस्ती कर लो। लेकिन फिरंगोजी नरसाला क्या करते हैं? बात नहीं मानते, है ना।
क्योंकि वो तो शिवाजी के वफादार साथी होते हैं, तो वो उनकी बात नहीं मानते। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि पूना का कौन सा किला फतेह किया था शाइस्ता खान ने जब उन्हें दुर्रेस में जो पुरेंदर का मुआसरा था वो हटाना पड़ा था, वो कहाँ गए थे, पूना के कौन से किले में गए थे, जहाँ के किलेदार कौन थे, प्रियंगोजी नरसाला थे चांकन के किले में, और सरदार का नाम भी मैंने बताया। हाँ हाँ सही है जवाब, मगर क्लियर सुनाई नहीं दे रहा बेटा। ठीक, हाँ वेरी गुड, फिरंगोजी नरसाला। कितने महीने मुकाबला चला दोनों दरमियान बेटा? दो महीने। नेट का इशू है, थोड़ा आवाज रुक रुक कर आ रही है। नंबर चार, मराठा फौज किसके आगे पसपा हो गई थी बच्चों, किसके आगे हार मान ली थी उन लोगों ने? बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस मिस। हाँ टीचर, फिरंगोजी नरसाला के। शाइस्ता खान की फौज फिरंगोजी नरसाला मिस। आपको अब हम बढ़ते हैं आगे बच्चों। उसके बाद हमने देखा था शाइस्ता खान लाल महल में, है ना, शाइस्ता खान क्या करते हैं, फिरंगोजी नरसाला को वहां पर क्या कर देते हैं, हरा देते हैं, और उसके बाद क्या बढ़ जाते हैं आगे। फिर उसके बाद हमने ये नज़्म पढ़ी थी कि लाल महल में किस तरह क्या करते हैं शाइस्ता खान कयाम करते हैं। लाल महल की तस्वीर नजर आ रही है आपको? शाइस्ता खान आकर कयाम करते हैं, कयाम का मतलब होता है ठहर जाना, है ना, आते ठहर जाना, बच्चों ते हैं वहां पर आकर। ठीक है, हाँ रुक जाते हैं और दो साल तक वहीं पर ठहरे रहते हैं। कितने टाइम तक बच्चों? दो साल तक हिफाजत के लिए चारों तरफ से क्या ये तस्वीर नजर क्या कर लेते हैं उनके सिपाही, लाल महल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते। अब हमारे घर में आकर कोई रहने लगेगा बिना पूछे, मिस आपकी आवाज नहीं आ रही है, मिस आपकी इतना मसला हो रहा नेट का, माजरत चाहती हूँ। चलो बच्चों, सिर्फ वो रहते ही नहीं बच्चों लाल महल में, बल्कि क्या करते हैं, आसपास के जो गरीब लोग होते हैं, आवाम होती है, वहां पर अपने सिपाहियों को भेजकर जानवर मंगवा लेना, खेती को नुकसान पहुंचा, ये तमाम चीजें भी करते हैं। तो शिवाजी को तो क्या था, अपनी आवाम से बड़ी मोहब्बत थी, तो वो बहुत नाराज होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, और सोचते हैं शाइस्ता खान को तो सबक सिखाना ही होगा। तो चलो हम लोग अपने सबक अगले हिस्से पर पहुंचे, उससे पहले आप लोग मुझे इन सवालों के जवाब देंगे कि शाइस्ता खान ने किस महल में कयाम किया, कहां पर आकर? लाल महल में। साथियों ने कौन सा इलाका बर्बाद कर डाला, किस इलाके में जाते थे उनके सिपाही परेशान करते, हमने तस्वीर देखी ना बच्चों, ये तो एक और बार देख लो। हाँ हाँ वेरी गुड, खेत बिगाड़ देते थे, चांदा उठा लेते थे। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से बच्चों हमारा वो हिस्सा शुरू हो रहा है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद सिखाने के लिए दिलेराना मंसूबा बनाया, दिलेर है बहादुर, बहादुरी वाला मंसूबा, मंसूबा यानी क्या, तरकीब सोची, एक आइडिया सोचा कि किस तरह से क्या करना चाहिए शाइस्ता खान को शिकस्त देनी चाहिए। अब आपको तो मालूम है लाल महल को 5,00,000 फौज क्या थी, घेरे बैठी थी। शाइस्ता खान ने लाल महल पर कब्जा जमाया, शिवाजी महाराज ने दिलेराना मंसूबा बनाया, वो अपने साथियों के साथ मिलकर शाइस्ता खान को हराने के लिए क्या करते हैं, एक तरकीब सोचते हैं, एक मंसूबा, एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये तस्वीर कौन से महल की नजर आ रही है? लाल महल की। लाल महल क्या था, कड़ा पहरा था, मालूम थे शिवाजी को लाल महल के तमाम हिस्से, दरवाजे बरामदे
कमरे खुफिया रास्ते। हमको मालूम है जैसे हमारा घर होता है ना, हम अपने घर के हर हिस्से से वाकिफ होते हैं। अब लाल महल तो क्या था, शिवाजी का था, तो वो वहां पर रहते भी थे। कैसे रहते थे आपको मालूम है, बचपन भी उनका वहीं पर गुजरा था और उनकी शादी भी क्या है बच्चों, लाल महल में ही हुई थी। तो शिवाजी लाल महल के हर हिस्से से वाकिफ थे, जैसे दरवाजे, बरामदे, कमरे, खुफिया रास्ते, है ना। महल में तो बहुत, महल कितना बड़ा है, तो बहुत सारे वहां पर रास्ते भी होंगे, दरवाजे भी होंगे। तो ऐसे ही हर रास्ते से, बरामदे से, बरामदा यानी जो घर के बाहर का थोड़ा हिस्सा होता है ना, गैलरी पैसेज वगैरह बोलते हैं, जहां से अंदर दाखिल हुआ जा सकता है दरवाजों में। तो दरवाजे, बरामदे और तमाम कमरे और खुफिया रास्ते, खुफिया यानी छुपे हुए रास्ते, जो सिर्फ घर के खास खास लोगों को मालूम है, बाहर के लोगों को मालूम ना हो। देखो दरवाजा कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा है, वो अंधेरे में है, खुफिया यानी छुपा हुआ। तो दरवाजे, बरामदे, कमरे, खुफिया रास्ते, इन तमाम से क्या थे, वाकिफ थे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको? अब स्क्रीन नजर आ रही है? अब स्क्रीन नजर आई ना। खान के साथियों में शिवाजी ने किया मुखबिरों को शामिल, चूंकि मुकाबे गुजरना वहां पर से था मुश्किल। यहाँ पर एक तरफ आपको खान के सिपाही यानी शाइस्ता खान के सिपाही नजर आ रहे, एक तरफ क्या है शिवाजी के साथी नजर आ रहे। क्या किया था शिवाजी ने, क्या किया था बच्चों, प्लान बनाया था ना कि वो किस तरह से क्या करेंगे, आगे का मंसूबा अंजाम देंगे। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहला काम बच्चों, अपने मुखबिर यानी खबर देने वाले, मुखबिर यानी कौन होता है, हम एक तरह से बोलेंगे जासूस, खबर देने वाले है ना, जो खबरें लाने वाला, खबर देने वाले, हम जासूस भी कह सकते हैं। तो ये जो मुखबिर होते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, शिवाजी देख रहे हैं जा रहे हैं उनके मुखबिर शाइस्ता खान के साथियों के पास, है ना। तो वहां पर क्या हो जाते हैं, बेस बदल कर क्या हो जाते हैं, उनके साथियों में, सिपाहियों में शामिल हो जाते हैं, ताकि शाइस्ता खान जहाँ पर है, जो महल में है, उनके साथियों में, उनकी फौज में जो हो रहा है वो उन्हें क्या है पता चलता रहे और वो अपने मंसूबे को आसानी से अंजाम दे सके। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? सबसे पहला काम क्या किया शिवाजी ने, अपने मुखबिरों को शाइस्ता खान के साथियों में शामिल कर दिया, ताकि वहां की खबरें क्या करें आसानी से मिल सके। अब शिवाजी क्या सोचते हैं पता है आपको, अभी वो सोच रहे हैं सिर्फ कि मैंने मंसूबा बनाया है, मैं क्या करूंगा, मुझे खबर मिल जाएगी शाइस्ता खान कहाँ पर है, कौन से कमरे में है, तो मैं क्या करूंगा, उनके कमरे में जाऊंगा और उन्हें क्या कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। तस्वीर में नजर आ रहा है ना आपको, क्या सोचा था उन्होंने कि मैं जाऊंगा और उन्हें क्या करूंगा, कत्ल कर दूंगा। अभी वो कत्ल कर नहीं रहे, अभी वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें सोच रहे हैं, मतलब ये अभी मंसूबा बनाना है। लेकिन लाल महल में तो कड़ा फौजों का पहरा था और इतना कड़ा पहरा, चुटी चुटी कितनी छोटी होती ना, आपने देखी है स्क्रीन पे नजर आ रही आपको चुटी, इतना ज्यादा बच्चों का पहरा था, चुटी छोटे कीड़े मकोड़े भी अंदर जाना, मतलब ये एक मिसाल है कि चुटी भी अंदर नहीं जा सकती, यानी कि बहुत ज्यादा कड़ा पहरा था कि एक मामूली छोटी सी चुटी भी क्या है बिना इजाजत के अंदर नहीं जा सकती थी। क्या शाइस्ता खान को मारना इतना आसान था? नहीं। और उसके अलावा क्या होता है पता है, गांव के बाहर जो मराठा साथी होते हैं शिवाजी के, उनको भी शाइस्ता खान के साथी अंदर आने ही नहीं देते। जब उन्हें गाँव में ही दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है तो वो लाल महल तक कैसे पहुंचेंगे? तो इसके लिए तो कोई दिलेराना मंसूबा ही होना चाहिए ना, और ये काम कौन कर सकता था सिर्फ बच्चों, शिवाजी। फिर भी था अटल, यहाँ पर क्या है, इतना ज्यादा कड़ा पहरा होने के बावजूद भी शिवाजी डरे नहीं, घबराए नहीं, ना ही अपने काम को उन्होंने अधूरा, शिवाजी महाराज ने क्या किया, अपना इरादा एकदम अटल किया कि मुझे शाइस्ता खान को लाल महल जाना ही है। एक रात गुजरी महल के पास से एक बारात, फानूस थे रोशन, डोली पालकी बहुत लोग साथ। एक रात क्या होता है बच्चों, एक रात क्या होता है, स्क्रीन पर देखो ये क्या है, लाल महल की तस्वीर है ना। एक रात 5 अप्रैल है ना, 5 अप्रैल 1663 में, सन आपको याद रखना है और तारीख भी, लाल महल के सामने से क्या होती है, बारात गुजरती है, नजर आ रही है बारात जाते हुए,
खाना देखे आप लोग ने? यस मिस। बारात का मतलब क्या होता है? कहाँ जाते हैं लोग? दूल्हे के घर से बारात जाते हैं दुल्हन को लेने के लिए ना, हाँ या नहीं? यस। हाँ, आम चीजों की आवाज आती हो तो क्या होता है, कुछ देर के लिए हम आसपास की चीजों को क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि म्यूजिक तो सभी को पसंद होता है और ढोल ताशे की जो आवाज होती है बहुत शोर शराबा होता है, तो उसमें क्या होता है हमारा कॉन्सेंट्रेट जो तवज्जो होती है वो भी हट जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, 5 अप्रैल की रात 1630 को महल के सामने से बच्चों एक बारात जाती है। तो शिवाजी क्या करते हैं पता आपको, अपने साथियों, और यहाँ पर तस्वीर आकर आप अगर बारात को गौर से देखोगे तो आपको नजर आएगा उसमें कुछ खास, क्या नजर आ रहा है देखो, कंबल ओढ़े हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो ये कौन थे? शिवाजी के साथी थे ना, मुखबिर थे ना। yes, तो शिवाजी क्या करते हैं yes, इस बारात में क्या है, भेष बदल कर शामिल हो जाते हैं। ठीक है, बारात में क्या क्या होता है, यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर बोली में दूल्हा है, शहनाई दूल्हा जाने वाले हैं, और घोड़े पे दूल्हा है, उसके अलावा फानूस चमकती हुई दिया की तरह नजर आ रहा है, लैंप की तरह जिससे रोशनी निकलती है, लोग झूमर भी बोलते हैं, सर अपने शादी वगैरह में देखे होंगे ना, पुराने जमाने में तो क्या होता था, पैदल बारात जाती थी, अब क्या होता है गाड़ियों में जाती है, ये सब चीजें इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन पुराने जमाने में पैदल बारात जाया करती थी, तो इस तरह से दुल्हन को डोली में ले जाया जाता था, और जो खास खास बड़े बड़े लोग होते थे वो पालकी में सवार होकर जाते थे। ठीक है, पालकी और डोली एक ही होता है, लेकिन जिसमें दुल्हन बैठती है उसको हम डोली नाम देते हैं, और शिवाजी महाराज के मंदिर और बढ़ते हैं आगे, और बारात महल सामने से होते हुए धीरे धीरे क्या हो जाती है, महल से आगे निकल जाती है, और इसी बारात का फायदा उठाकर, इसी शोर शराबे गाने बजाने का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज के जो मुखबिर होते हैं, जो साथी होते हैं, वो क्या करते हैं देखो, क्या कर रहे हैं देखो, मुखबिर क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे दीवार की तरफ खिसकते जाते हैं और महल में घुस जाते हैं, महल के अंदर चले जाते हैं। नजर आई तस्वीर ऊपर जाते हुए? यस मिस, यस मिस। हाँ, महल की दीवार की तरफ खसकते जाते हैं और छुप छुपा कर क्या करते हैं, महल में दाखिल जाते हैं, शिवाजी खुद भी और उनके जासूस मुखबिर और साथी भी। ठीक है, इससे पहले कि हम सबक के अगले हिस्से पर बढ़े, कुछ सवालों के जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। लाल महल में कौन कब्जा जमाए बैठा था बच्चो? सवाल पर चलते हैं, मुखबिर यानी क्या, मुखबिर यानी क्या, देने वाला जासूस, खबर देने वाला जासूस। महाराज क्या मंसूबा बनाया, क्या सोचा? हाँ, शिवाजी महाराज ने क्या मंसूबा बनाया, तो बच्चों क्या सोचा था उन्होंने, वो क्या करेंगे महल में जाकर, क्या करेंगे? शिवाजी महाराज ने सोचा कि एक रात मैं शाइस्ता खान के कमरे में जाऊंगा और उसका कत्ल कर दूंगा। कि मैं कमरे में जाऊंगा, मैं तो तमाम चीजों से वाकिफ हो रहा हूँ, शाइस्ता खान का कत्ल कर दूंगा। वेरी गुड। महल के एतराब कितने फौजियों का पहरा था, पहले भी आप बता चुके हैं, फिर से बता दें, बार बार इसलिए पूछा गया। 75,000। अगला सवाल है, शिवाजी महाराज का इरादा कैसा था बच्चो, कैसा था? शिवाजी महाराज का इरादा था कि तो इरादा था, लेकिन ना बदलने वाला, अटल, मजबूत इरादा था ना, मजबूत इरादे को क्या कहते हैं, अटल है ना, ना बदलने वाला। ठीक है, ना बदलने। चलो अब जहन में रखेंगे, अभी बात नहीं। महल के पास से क्या गुजर रही थी बच्चों एक रात, क्या गुजर रही थी? 12 अप्रैल को बारात गुजर रही थी। वेरी गुड, शाबाश। 5 अप्रैल को। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे, अब हमने देख लिया कि किस तरह बारात का फायदा उठाकर शाइस्ता खान के महल में या लाल महल में क्या है, जहाँ पर शाइस्ता खान है वहाँ पर छुप छुपा कर दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पर शाइस्ता खान का भरम पूरा, भरम यानी वहम, शाइस्ता खान को क्या वहम था, क्या भरम था, है ना, यानी ये गलत फहमी थी कि शिवाजी तो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगा इतना कड़ा पैरा होने के बाद, लेकिन फिर भी शिवाजी क्या,
बहुत ही शातिर और मजबूत ना, तो उन्होंने दिलेराम ना कर महल में दाखिल। देख बच्चों अभी आगे और मजा आएगा लेसन में, तो बिल्कुल सब्र बनाए रखें, आपस में कोई बातचीत ना करें, ठीक है। नकब लगाकर महल में दाखिल हुए, बजरिए दीवार ऊंग रहे थे वहां पर नींद में खान पहरे। क्या करते हैं शिवाजी, दीवार के जरिए, लाल महल की दीवार के जरिए महल में दाखिल हो जाते हैं, नजर आ रहे हैं आपको, और कैसे नकब लगा कर महल में दाखिल हो जाते हैं। और जब दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि साथियों ने पहरेदारों को रस्सी से बांध दिया, इतने में शिवाजी पर किसी ने हमला किया। क्या देखते हैं कि जो शिवाजी जो शाइस्ता खान के साथी है वो क्या है, अब जाहिर सी बात है रात का वक्त है तो क्या होगा, थोड़ा तो नींद आने लगती है ना, सिपाही भी तो इंसान है, हम लोग भी ज्यादा देर हो जाती है तो नींद आने लगती है कि नहीं, है ना, ऊंघाई आती है, तो वैसे ही वो लोग भी ऊंघते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं शिवाजी के साथी उन लोगों को रस्सियों से बांध देते हैं। देख रहे हैं आप दाईं बाईं तरफ, बाईं तरफ वो लोग ऊंघ रहे हैं और दाईं तरफ क्या उनके साथियों ने उन्हें किससे बांध दिया बच्चों, रस्सी से बांध दिया। हम बढ़ते हैं आगे और शिवाजी अपने साथियों को इंस्ट्रक्शंस देते ही रहते हैं कि अब हमको क्या करना है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ते क्या होता है, शिवाजी पर कोई हमला करता है, किससे, तलवार से, तलवार नजर आ रहा है आपको नजर, हाँ वो क्या करते हैं शिवाजी पलट कर उस पर वार करते हैं और उसको कत्ल कर देते हैं, यानी वो मार देते हैं। और जब उसे देखा जाता है तो वो कौन होता है बच्चा, हमला करने वाला कौन होता है, वो शाइस्ता खान का बेटा होता है। कौन होता है बच्चों, वो शाइस्ता खान का बेटा। हमला करता है वो कौन होता है बच्चों, शाइस्ता खान का बेटा। हम बढ़ते हैं आगे। शिवाजी महाराज पीदे खान के कमरे में आए, शाइस्ता खान शिवाजी को देखकर घबराए। दाईं तरफ आपको नजर आ रहा है कि वो किस तरह से खिड़की से ऊपर चढ़े और दाखिल हुए, दिखाई दिया, हाँ दिखाई दे रहा है, हाँ कि किस तरह से वो चढ़ते हैं खिड़की पर और किस तरह से शाइस्ता खान के कमरे में दाखिल हो जाते हैं, है ना, ठीक है। जब आगे पहले वो शाइस्ता खान के बेटे को कत्ल करते हैं और अब वो आगे बढ़ते हैं, उनके हाथ में क्या है, तलवार है, और वो जैसे ही शाइस्ता खान के कमरे में जाते हैं तो शाइस्ता खान क्या कर रहे होते, देखो तो क्या नजर आ रहे होते, सो रहे होते, गहरी नींद में, गहरी यानी एकदम रात का टाइम है तो जब नींद लग जाती है तो एकदम गहरी नींद लग जाती है ना, जैसे कि शाइस्ता खान भी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन अगर खिड़की से दरवाजे से कोई कूद के हमारे घर में आ जाए तो क्या होगा, आवाज तो होगी ना, तो आवाज होती होगी, आहट मिलती होगी, तो शाइस्ता खान क्या हो जाते हैं, घबरा के उठ जाते हैं। अब आधी रात में कोई आएगा तो जाहिर सी बात है हाथ में तलवार हो तो जाहिर सी बात है घबराएगा ही, तो शाइस्ता खान भी क्या होते हैं बच्चों, घबरा कर उठ जाते हैं, जैसा कि आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। जब हम डर जाते हैं ना तो फौरी तौर पर कोई भी हमारा क्या है रद्द अमल होता है, तो शाइस्ता खान भी क्या करते हैं बच्चों, घबरा कर भागने लगते हैं। शाइस्ता खान भागने के लिए खिड़की की तरफ बढ़े, शिवाजी महाराज भी खान को पकड़ने पीछे दौड़े। अब यहाँ पर क्या करते हैं शाइस्ता खान, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और बिस्तर पर से उठकर किस तरह भागते हैं, भागे देखा नजर आया, खिड़की की तरफ भागते हैं, हाँ हाँ किस तरफ भागते हैं, शिवाजी भी तेजी से उनका पीछा करते हुए खिड़की की तरफ भागते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, खान ने खिड़की से कूदने का इरादा किया, शिवाजी ने फौरन ही तलवार से हमला किया, और जैसे ही क्या करते हैं शाइस्ता खान खिड़की से कूद कर भागने की कोशिश करते हैं, तस्वीर में नजर आ रहा है आपको, वैसे ही शिवाजी उन पर क्या करते हैं, हमला करते हैं, उंगलियां काट देते हैं, जिसमें तलवार किस पर पड़ जाती है, देखो नजर आ रहा है तस्वीर में आपको, वीडियो में नजर आ रहा है किस पर पड़ी तलवार, उंगलियों पर पड़ी तलवार, उंगलियों, उंगली काट दी, पर क्या हुई, हमले में शाइस्ता खान की तीन उंगलियां कट गई, जान पर बनाई थी मगर उंगलियों पर गई, है ना, वो तो शिवाजी को उनको मारना चाहते थे लेकिन तलवार उनकी उंगलियों पर पड़ जाती है, और क्या होती है, कितनी उंगलियां कट जाती है बच्चों, देखो तीन उंगलियां कट जाती है, आपको रखना है, ठीक है, अच्छे से अच्छा लगा तो हम आगे बढ़े, हाँ बच्चो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे शिवाजी ने सोचा ना कि मैं कमरे में जाकर उसे मार दूंगा
ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, शाइस्ता खान क्या होते हैं, जब उंगलियां कटती है तो खौफ जदा हो जाते हैं, डर जाते हैं, बुरी तरह खौफ जदा हो गए शाइस्ता खान, समझ गए अभी उंगलियां कटी है आगे जाएगी जान, एकदम डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये तलवार मुझे भी लग सकती थी, उंगलियों के बजाय मेरा जिस्म भी कट सकता था, तो वो बहुत ज्यादा जदा हो जाते हैं। उसके बाद शिवाजी महाराज के साथी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, वो शाइस्ता खान के साथियों को बेवकूफ बनाने के लिए क्या करते हैं, खुद ही शोर मचाते हैं कि शिवाजी आया भागो भागो, ठीक है, शिवाजी आया भागो करके वो क्या होते हैं सीगढ़ की तरफ निकल जाते हैं, और शाइस्ता खान के साथी भी क्या करते हैं उन्हीं के पीछे निकल जाते हैं। देखो यहाँ पर जा रहे हैं कौन जा रहे हैं, पहले शिवाजी महाराज के साथी और शाइस्ता होंगे ना, तो उनको ढूंढने के लिए वो भी उनके पीछे क्या होते हैं बच्चों निकल जाते हैं। तस्वीर नजर आ रही है आपको, समझ में आ रहा है? यस मिस। हां यस मिस। बढ़ते हम आगे, तो इस तरह से जो शिवाजी महाराज के साथी है वो क्या करते हैं शाइस्ता खान के साथियों को क्या देते हैं, धोखा देते हैं, गलत बयानी यानी शोर मचा कर ये जताते हैं कि वो भी क्या है उन्हीं के साथी है, बल्कि वो किसके साथी होते हैं शिवाजी महाराज, और ये लोग क्या करते हैं इस तरह सिंहगढ़ की तरफ निकल जाते हैं शिवाजी भी और उनके साथी भी। तो ये सब क्या है बच्चों, कामयाब लौटते हैं ना, जब कामयाब लौटते हैं तो हमेशा से आपने देखा है क्या है, खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन उससे पहले औरंगजेब जिसने अपने मामू शाइस्ता खान को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा था, जब उनको ये खबर मिलती है किस तरह से शिवाजी ने शाइस्ता खान की तीन उंगलियां काट दी है और शाइस्ता खान डर के मारे भाग गए हैं, खौफ जदा हो गए हैं, तो वो अपने मामू से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, और नाराज होने के बाद उनको अपने पास नहीं बुलाते बल्कि क्या करते हैं बंगाल जाने के लिए कहते हैं, बंगाल भेज देते हैं उसको। अभी फिलहाल वो कहां थे, पूना में है ना, पूना में उन्होंने लाल महल में रुके हुए थे ना, वो वहीं से शिवाजी ने भगाया था उन्हें, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारे सबक का ये आखिरी पड़ाव चल रहा है कि उसके बाद शिवाजी और उनके साथी सीकर पहुंच जाते हैं और वहां पर लोग क्या जाते हैं शिवाजी महाराज की एक और जीत से बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि इतने बहादुर सिपाही को शिवाजी ने किस तरह भगाया, और उसके लिए वहां पर क्या जाई जाती है बच्चों तोपे डाली जाती है और पूरे महाराष्ट्र में क्या हो जाती है खुशी की लहर दौड़ जाती है, ठीक है। आवाज आ रही है आपको तोप की आवाज, आवाज आ रही है? यस मिस। यस मिस। तो इस तरह से जाती है और पूरे महाराष्ट्र में क्या हो जाती है बच्चों खुशी की लहर खत्म होता है। अब यहाँ पर एक चीज दिख गई है, सबक आपको कितना समझ में आया उसकी जांच करने के लिए, यकीन है कि सबक बहुत अच्छा था, भले ही नेट की वजह से प्रॉब्लम हुए हो लेकिन सबक आपको अच्छे से समझ में आया है, सभी बच्चे इंशाल्लाह 100 लेंगे ही लेंगे। अब आपके चैट बॉक्स में बच्चों मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, तो जल्दी जल्दी 2 मिनट में सभी लोग फटाफट क्या करेंगे उस लिंक को फिल कर देंगे, लेकिन सवाल पढ़ेंगे सवाल को और जल्दी से फिल करके सबमिट कर देंगे, ठीक है। आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो स्टार्ट करें, सिर्फ 2 मिनट मिल रहे हैं आपको, और जिसका भी हो जाता है लिंक फिल हो जाती है तो हैंड ओवर करके मैसेज डाल दें ताकि टीचर को समझ में आए कि आपने लिंक फिल कर लिया, ठीक है, और आपको कितना मार्क्स मिल रहा है वो भी।